हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ मित्रों। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो मित्रों, मैंने चाय पानी सब पी ली है, पानी भी भर दिया है, आप लोगों ने भी पी ली होगी। तो मित्रों, मैंने नाश्ता भी थोड़ा बहुत व्यवस्था कर दी है, वो चल रही है। तो मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ कैसा है। सबसे पहले आपको माता तुलसी के दर्शन करा देती हूँ। जय हो माता तुलसी की। हे माँ तुलसी, मेरे अपनों पर, मेरे मित्रों पर, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सबके घर पर सुख शांति, सुख समृद्धि करना। माँ श्यामा तुलसी, आपको कोटि कोटि नमन। आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज तो खूब सुंदर धूप है, खिली खिली। आजकल हेलीकॉप्टर रोज चल रहा है आसमान में, यात्राओं की वजह से चल रही होंगी ना। यात्रा पे जाते हैं लोग हेलीकॉप्टर के जरिए। ये देखिए दोस्तों, मौसम बहुत सुंदर है। ये देखिए, इस ग्राउंड में धूप आ चुकी है, जहाँ सब्जी बूंदी है। अब देखिए मित्रों, कालू बैठा है सामने रोज की तरह। ये लाली बैठी है यहाँ पे, देखिए। देखिए दोस्तों, मौसम तो अच्छा है दोस्तों, अच्छी धूप है, बढ़िया। सूर्यदेव आ चुके हैं, आदित्य महाराज जी आ चुके हैं। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः, ओम आदित्याय नमः। आज का मौसम बहुत अच्छा है मित्रों, सुंदर सा। सभी लोग अपने कार्य पे लगे हुए हैं रोज की तरह, रोज की दिनचर्या है। कोई पानी भर रहा है, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा है, किसी का नाश्ता बन रहा है। ये देखिए कबूतर, एक और कबूतर। तो दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगी नाश्ते के टाइम पर। तो आप सभी को मेरी जय श्री राम। देखिए दोस्तों, ये हमारे आलू के छोले बन रहे हैं। वो प्रेशर कुकर में दाल उबल चुकी है राजमा चने की, ये छोले बन रहे हैं। रोटियां भी बन रही है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। और साथ में थोड़ा रात की सब्जी है, शिमला मिर्च आलू की, थोड़ा आलू के छोले। तो देखो रोटियां भी बन रही हैं दोस्तों, घी भी लग रहा है, ये घी है। रोटी, छोले, दाल भी उबाल दी है दोस्तों। तो नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो आपको पहले कह देती हूँ, आ जाओ आप लोग नाश्ता करने। बस हमारा नाश्ता लगभग बन चुका है, ठीक है मित्रों। हमारा नाश्ता बन चुका है, आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए, आज हमने बनाए आलू के छोले, कल की सब्जी थी रात की शिमला मिर्च की, और आलू के छोले और रोटी घी चुपड़ी वाली और चाय। तो हमारा नाश्ता तो अब खाने का हो रहा है, फटाफट से हम खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने जाना है
मैंने भी अपने घर के सारे काम करने हैं, इसलिए आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने, हम भी नाश्ता करते हैं मित्रों। दोस्तों मैं नहा गई हूँ, मैंने अपने काम भी निपटा दिए हैं अच्छे से, और अब मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। सारा काम निपटाया, नहाए धोए, नाश्ता वगैरह हुआ, घर की सफाई की, फिर कपड़े धुले, तो अब सोचा कि अब दिन का खाना तैयार कर दो, बच्चे आने वाले हैं। दोस्तों तो मैं कर रही हूँ दिन की तैयारी खाने की। दोस्तों मैंने दिन के खाने की तैयारी थोड़ा बहुत कर ली, थोड़ा बहुत चल रही है। ये मैंने प्याज काट दिए हैं सलाद के लिए, इसमें थोड़ा सब्जी है सुबह की, और इसमें चावल हैं बन चुके, इसमें दाल छोंकी मैंने, तो दाल पक रही है। तो आज मैंने राजमा चावल बनाया है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि आज दाल मैंने राजमा चावल की बनाई है। राजमा चावल की दाल है, आप देख सकते हैं इस तरह से राजमा चावल की दाल है जो मैंने अभी अभी छौंकी है, अभी अभी छौंकर लगाया है इस पर। तो ये दाल गर्म हो रही है, चावल बन चुके हैं, प्याज भी मैंने काट कर रख दिया है, इसमें नमक है दोस्तों, चटपटा हरी मिर्च का है, जीरा है, और ये अजवाइन है, हरी मिर्च है, जो भी होता है नमक बनाने के लिए, सब धनिया वगैरह सब चीज़ से नमक बनाया है जो इस प्याज में डालना है। और दाल हमारी गर्म हो रही है, तो मैंने खाना लगभग तैयार कर दिया है, बस थोड़ा दाल में उबाल आ जाए तो दाल तैयार हो गई। दोस्तों तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग आ जाइए खाना खाने, लगभग लगभग बन ही चुका है, तो आप लोगों का स्वागत है, राजमा चावल और साथ में सलाद। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। दोस्तों हमारा भात बन चुका है, चावल, और मैं पहले चावल बेटे के लिए रखूँगी ना, वो 3:30 बजे आएगा, उसके लिए इस पर रख देती ताकि गर्म रहे, और हम दोनों माँ बेटी तो खाना खाते हैं, बेटा भी 3:30-4 बजे तक आएगा ना, तो उसके लिए इसके चावल रख देती हूँ मैं, तो आप लोग भी आ जाइए, हम खाना खाते हैं अब, बेटे के लिए रख देते ताकि गर्म रहे थोड़ी देर तक, ठीक है दोस्तों। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। दाल चावल लग चुका है थाली में, साथ में दही है। आज मैंने बेटी को थोड़ा सी दाने डाल दिए हैं ना गलती से, वो दाने नहीं खाती, लेकिन आज थोड़ा पड़ गए हैं उसमें। अब देखो एक कटोरी रखूँगी ना, उस पर एक दाने निकाल के रखेगी कि मैं दाने नहीं खाती हूँ, पर लेकिन दोस्तों मैं खाती, देखो मेरी प्लेट में कितने राजमा के दाने हैं, चने के, मैं तो खूब खाती हूँ दोस्तों, पर ये नहीं खाती है, पर हम खा रहे हैं, और ये देखती हूँ कि आज ये खाती कि नहीं खाती है, ठीक है मित्रों। तो अब हम भोजन देवता को प्रणाम करके खाना शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है मित्रों, आपको मिलूँगी शाम के टाइम पर चाय पर, ठीक है, जय श्री राम। मैंने चाय वगैरह पी ली है और अब चली मैं वॉक करने, तो सोचा आप लोगों से थोड़ा सी और बात कर लूँ। तो दोस्तों देखो शाम के बज रहे हैं 7:15, ये देखिए दोस्तों दिन बड़े हो गए हैं ना, इसलिए ज़रा लंबा अभी तक उजाला है चल रहा है। दोस्तों हम चल रहे हैं सीढ़ियों से, एक बात कहो मित्रों, हमारे नेटिव बोराड़ी शहर में सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, सीढ़ियों की कमी नहीं है, कभी आओगे ना आप लोग तो मेरी बात आपको याद आएगी, हर गली हर सड़क हर रास्ते पे हजारों सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको, जब भी आना हो तो थोड़ा फिट हो के आना, मोटा बन के मत आना, नहीं तो कोई सीढ़ी में चल नहीं पाएगा दोस्तों। सब्जी भी ले ली है, घर जा रहे हैं, अंधेरा होने चला है, बज चुके हैं 7:45, आपको दिख रहा होगा।
बढ़े तो धीरे धीरे होता है मेरा। लाइट्स जल चुकी हैं सड़क की, लोगों के घरों की। दोस्तों शाम का मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग भी जाते होंगे, ठंडा ठंडा, क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मी में तो ठंडा ही चाहिए। मस्त सभी लोग चल रहे हैं वॉकिंग पे, वॉक करने। ये देखिए दोस्तों सभी चाँद देख रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। दोस्तों मैं अब आपसे बात करूंगी शाम के खाने के टाइम पे, ठीक है मित्र। दोस्तों ये देखिए मैंने शाम की तैयारी कर दी है। ये है पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर। तो आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी की सब्ज़ी। बंद गोभी सब्जी के लिए 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 4-5 कलियाँ लहसुन की और 2 टमाटर। सब्जी लेके आई हूँ दोस्तों। ये देखिए धनिया है इसमें, नींबू है, दिख रहा होगा आपको, धनिया, मिर्च, नींबू, इसमें लहसुन है, एक टमाटर है दोस्तों ला रखे। तो मैं आज अभी अभी आई सब्जी लेके, इसमें दिन की दाल है और ये सब्जी मैंने मटेरियल तैयार कर दिया है। तो अब मैं बनाऊंगी बंद गोभी की सब्जी। बंद गोभी सब्जी सबसे जल्दी बनती है, थोड़ा दाल है तो हो जाएगा। दोस्तों तो शाम के बज रहे हैं 8:30 और अंधेरा तो अच्छी तरह से हो चुका है, तो अब खाना बनाते हैं मित्रों और अपनी आगे की कार्य पूरे करते हैं जो रात के सभी होते हैं। तो अब मैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम और जय हनुमान। शुभ रात्रि मित्रों।